हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल नेहास किचन एंड ट्रेवल ऑन अ बजट में। तो ये मेरे आइसलैंड व्लॉग का फोर्थ एपिसोड है, तो इसके पहले के तीन एपिसोड देखना भी आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसमें मैंने बताया है कि आइसलैंड का ट्रिप आप कम बजट में कैसे कर सकते हैं, ब्लू लगून आप कैसे जा सकते हैं और साउथ कोस्ट में देखने के लिए क्या क्या है। तो आप इस वीडियो में बने रहे क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ आइसलैंड का नॉर्थ पार्ट, जिसमें मैं आपको घुमाऊंगी पेनिनसुला। तो आइसलैंड के ट्रिप में आपसे कोई भी चीज मिस ना हो उसके लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और मेरे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए और रेसिपीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ आइसलैंड का नॉर्थ पार्ट घूमेंगे। वैसे ये जो जगह है ये नॉर्थ वेस्ट के साइड आता है और इस वीडियो में आपको दुनिया के बहुत ही पुराने वॉल्केनिक क्रेटर भी देखने को मिलेगा। तो ये जो पेनिनसुला का ट्रिप है ये रिकविक से वन डे का ट्रिप है। तो रिकविक से ये अप एंड डाउन 400 किलोमीटर का पूरा ट्रिप है और ये पूरा ट्रिप करने में आपको 10 से 12 घंटे अप्रोक्सीमेटली लगेंगे। तो हम कौन से टूर से गए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ट्रिप का आज हमारा है चौथा दिन और आज हम जाने वाले हैं पेनिनसुला। नाम स्क्रीन में डाल दिया है क्योंकि आइसलैंड के बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो आप प्रोनंसिएशन ही उसका गलत कर देंगे, तो स्क्रीन में नाम है आप चेक कर लें। तो वहां पर एक माउंटेन है जो कि वर्ल्ड में 10 मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन में से एक आता है और मोस्ट जिसके लोग पिक्चर्स लेते हैं वो माउंटेन है, उसका भी नाम मैंने स्क्रीन में डाल दिया है। तो आज देखते हैं कि पूरे दिन में हमें और क्या क्या चीज देखने को मिलता है। सुना है कि काफी बहुत ही सुंदर जगह है, पर देख के भी आते हैं कि कैसी जगह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। क्या खा रहा है? मैगी है। मैगी है कि सेजवान नूडल्स है? तो आज हमारे ट्रिप का है फोर्थ डे और आज हम जाने वाले हैं पेनिनसुला और वहाँ भी कुछ फेमस माउंटेन है। हम बस स्टॉप में खड़े हैं हमारे बस के लिए, तो हमने एक छोटी कैब की थी जो कि कैंसिल हो गई और टूर वाले ने हमें कोच दिया है, तो आज हमें कोच से जाना है। तो ऐसा होता है ट्रिप में कि आप जो ट्रिप बुक करें वो मेन टाइम में कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से काफ़ी सारे जगह के टूर्स निकलते हैं, तो आप अपना ईमेल आईडी और मेल चेक करते रहिएगा कि कहीं टूर का कुछ अपडेट आया है क्या। तो आइसलैंड में जहां पर भी इस टाइप के आपको बोर्ड दिखेगा इसका मतलब कि यहां पर ट्रेवल्स की बसेस रुकती हैं। तो आज की जो वैन है ये टाइम पर थी और इन्होंने हमें बताया कि जितने भी टूरिस्ट ने इनके कंपनी से टूर बुक किया है वो यहाँ से सबको पिक करेंगे और एक कॉमन जगह पर जाकर वो हर टूरिस्ट को उनके डेस्टिनेशन वाले वैन पे शिफ्ट करेंगे। और अच्छे व्यू के लिए अगर हो सके तो आप कोच के फ्रंट सीट में बैठिएगा। It's only 360,000 people in all of Iceland. And two-thirds of them are right here in Reykjavik. The second largest city is Akureyri with 20,000 people. Wow. And now we're going to take a toilet break here. टी ब्रेक के लिए, तो टी हम घर से ही लेकर आए थे क्योंकि टी यहाँ मोस्टली नहीं मिलते, कॉफी मिलते। सो आज बहुत अच्छा दिन है, सनी है, लकी है हम लोग कि आज थोड़ा सनी है, आज बारिश नहीं हो रही है और आधी को चिप्स चाहिए, आधी छुप रहा है। आगे चल के देखते हैं कि हमें टूर वाले कहाँ रोकते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है, आइए मेरे साथ। और बहुत ही जल्दी आ गए हम अपने फर्स्ट स्टॉप पे जो कि था एक वाटरफॉल। तो यहाँ जो भी वाटरफॉल होता है उसे फॉस के नाम से जाना जाता है। तो जब हम गए वाटरफॉल में काफ़ी ज़्यादा पानी तो नहीं था, बट यहाँ एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा लेक था
also known as the sheep waterfall. Sheep. Mm-hmm. Why? Because there are often sheep. Okay. तो जैसे कि हमें गाइड बता रहे थे कि इस जगह को शीप वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज यहाँ पर शीप देखने को मिलती है. वैसे जब हम गए तो हमें बहुत ही कम शीप देखने को मिली. तो बेसिकली आइसलैंड में फार्मिंग नहीं होती है तो यहाँ के लोग हॉर्स और शीप पालते हैं. तो आइसलैंड में अगर फार्मिंग की बात कहें तो यहाँ पर सिर्फ पोटैटो एंड कैरेट होता है और बाकी खाने की चीज़ें यहाँ इंपोर्ट की जाती है. और इसी वजह से यहाँ पर खाना ना कि सिर्फ टूरिस्ट के लिए, यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी काफ़ी महंगा होता है. तो जो आइसलैंड है ये हजारों साल पहले हुए वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ये लैंड बना हुआ है और यहाँ अभी भी काफ़ी सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं. तो गाइड से बात करते हुए हम पहुंच गए हैं लेक के पास जो कि बेहद ही खूबसूरत था. पीछे की सीनरीज इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी बट मुझे यहाँ जो चीज़ पसंद आया वो था यहाँ का पीसनेस. जो शांति थी यहाँ पर वो बहुत ही अमेजिंग थी. तो ये पूरे रोड ट्रिप में आपको बहुत ही सुंदर सीनरीज देखने को मिलेंगी और जिसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है तो वो आप चेक करना बिल्कुल ना भूलें. और आ गए हैं हम अपने दिन के सेकंड स्टॉप पे जो कि था एक माउंटेन. इसे हैट माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि ये दिखने में थोड़ा सा हैट के जैसे है. तो ये दुनिया के टॉप 10 ब्यूटीफुल माउंटेन में से एक है और ये मोस्ट फोटोग्राफ्ड साइट में से भी एक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा इसकी फोटोग्राफ्स खींचते हैं. तो मेरे आने वाले सारे व्लॉग्स के लिए और रेसिपीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें. तो टूर वाले ने हमें यहाँ पर 30 मिनट का टाइम दिया हुआ था. तो जो माउंटेन है उसके साथ साथ मुझे जो ऑपोजिट में उसके जो माउंटेन है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे. ठंडी सी यहाँ पर हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा शांति थी. और सीरियसली जब हमने माउंटेन को यहाँ से देखा वाटरफॉल से तब हमें समझ में आया कि क्यों ये सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ माउंटेन है. तो गेम ऑफ थ्रोन के 6th सीजन की भी शूटिंग ये माउंटेन के ऑपोजिट में यहाँ पर की गई है. तो अगर आप आइसलैंड विंटर में आ रहे हैं नॉर्थन लाइट्स देखने के लिए तो इस माउंटेन के ऊपर बहुत ही खूबसूरत नॉर्थन लाइट्स देखने को मिलती है. तो अगर आप अपने ट्रिप में विंटर में यहाँ आ सकें तो ज़रूर आइएगा. तो इस माउंटेन को अब बाय बाय बोलने का वक्त आ चुका था और दोपहर हो चुकी थी तो हमें डेफिनेटली थोड़ी सी तो भूख लग गई थी. कोच वाले ने एक काम बहुत ही अच्छा किया था कि उन्होंने हमसे कोच में ही ऑर्डर लेकर रेस्टोरेंट में पहले से प्री ऑर्डर कर दिया था. तो आपको रोड ट्रिप में अगर आप कार से भी आ रहे हैं या बस से भी आ रहे हैं तो ये जो रेस्टोरेंट है ये काफ़ी अच्छा था और यहाँ का खाना भी बहुत ही डिलीशियस था. पर जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड वेजिटेरियन हैं तो हम अपना खाना अपने अपार्टमेंट से ही बनाकर लाए थे. बट आदि ने यहाँ पर नॉनवेज ट्राई किया और उसने बताया कि खाना बहुत ही डिलीशियस था. अदर जो टूरिस्ट थे उन्होंने भी बताया कि खाना बहुत ही अच्छा था. तो लंच के बाद हमारा जो थर्ड स्टॉप था दिन का वो था एक वॉल्केनिक क्रेटर जो कि बहुत ही हजारों साल पुराना था. तो टूर गाइड ने हमें बताया कि ये 3,000 साल पुराना वॉल्केनिक क्रेटर है. सोचिए 3,000 साल पहले ये एक वॉल्केनो हुआ करता था और इसकी वॉल्केनिक हाइट थी 45 मीटर. ओह माय गॉड. और इसमें ऊपर तक हमको जाना है और सीढ़ियां बहुत छोटी छोटी हैं सो आप इजीली इसमें ऊपर तक जा सकते हो. और यहाँ बहुत अच्छा नाइस व्यू है. उस साइड आपको स्नो भी दिख सकता है समर में. विंटर में वो पूरा स्नो से रहता है. और ये देखिए इधर जल्दी जाके ऊपर से देखेंगे व्यू कैसा है. तो ऊपर चढ़ते चढ़ते मुझे ये पता चला कि ये जो छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं ये चढ़ने में भी आपका दम निकल जाएगा. तो ये टोटल 385 इसमें स्टेप्स थे, मतलब सीढ़ियाँ थी. तो लंच के बाद अच्छा हमारा वर्कआउट हो चुका था
तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वॉल्केनो का जो सेंटर था वो कहाँ पर था। और ये था वॉल्केनो का सेंटर, देखिए ये 3000 साल पुराना है। यहाँ से आप ये जो छोटे छोटे जो स्टोन्स हैं वॉल्केनो का जो पत्थर है ये अपने साथ घर ला सकते हैं, क्योंकि हमने 2-3 पीसेस यहाँ से उठाए थे। और उसके बाद आ चुके हैं हम अपने दिन के फोर्थ स्टॉप पे, जो कि था एक नेशनल पार्क। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि लोग यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर क्यों आखिर उठाकर देख रहे हैं। और अगर आप वेट लिफ्टिंग नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी ये पत्थर उठा के मत देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हैवी होते हैं। टूर में अगर आपकी कमर लग गई तो आप आगे का टूर नहीं कर पाएंगे। और ये सारे स्टोन्स का यहाँ पर डिटेल लिखा गया था कि क्यों यहाँ पर ये पत्थर उठाकर स्ट्रेंथ चेक किया जा रहा था। तो यहाँ कोई बहुत ही पुराना शेप आके फंस गया था जिसके टुकड़े आज भी दिख रहे थे, और आदि को लगा कि ये कोई कॉपर का यहाँ पर शेप था जो कि डूब गया था। तो ये भी एक ब्लैक सैंड बीच था। तो आइसलैंड में आपको ज्यादातर बीचेस जो हैं वो ब्लैक सैंड के ही मिलेंगे, पर ऐसा क्यों है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि यहाँ के जो बीचेस हैं ये ब्लैक क्यों होते हैं। तो दिन का जो फिफ्थ स्टॉप था वो था एक लाइट हाउस। तो हम लाइट हाउस तक चलकर नहीं गए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, बट ये स्टॉप में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि हमने सोचा भी नहीं था। तो आगे आप वीडियो में देखें कि हमें ऐसा क्या दिखा जिसे हम देखकर सरप्राइज हो गए। तो जब हम पार्किंग से निकल रहे थे हमने देखा कि यहाँ काफ़ी लोग कुछ अजीब सा फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारे सामने एक था फॉक्स, जो था कि एक आर्कटिक फॉक्स। तो ये जो है ये नॉर्मल फॉक्स नहीं है, ये माउंटेन्स में होते हैं, बहुत ही रेयर ये नीचे ग्राउंड लेवल पे आते हैं। तो हमें गाइड ने बताया कि बहुत ही रेयर है कि इसे ऐसा देखा जाए। No. और दिन का सिक्स्थ और लास्ट स्टॉप था हमारा ये छोटा सा विलेज, जो कि पूरे दिन के ट्रिप में मेरा मोस्ट फेवरेट जगह था। तो आइसलैंड का एक ये बहुत ही छोटा सा फिशिंग विलेज है और यहाँ की पॉपुलेशन है 60 पीपल। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ सिर्फ 60 लोगों का पॉपुलेशन है। तो टूर गाइड ने हमें बताया कि आइसलैंड में ऐसे भी छोटे छोटे विलेज हैं यहाँ जहाँ का पॉपुलेशन सिर्फ 6 पीपल है, मतलब सिर्फ 6 लोग उस गांव में रहते हैं। और शायद यही वजह है कि आइसलैंड इतना ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, यहाँ नेचुरल ब्यूटी को लोगों ने छेड़ा नहीं है। तो हमारे जो टूर वाले हैं उन्होंने हमें एक स्टॉप पे यहाँ पर उतारा है और बोला है कि इसका एक पूरा राउंड सर्कल लेकर वो हमें दूसरे एंड में मिलेंगे। और यहाँ के नेचुरल ब्यूटी में हम इतना खो गए कि ये वाला जो ब्यूटीफुल स्पॉट था ये हमने देखना मिस कर लिया, जो कि जस्ट इस प्लेस के ऑपोजिट में था। तो आइसलैंड के फोर्थ डे हमने देखा एक बेहद ही खूबसूरत माउंटेन,
एक 3000 साल पुराना वॉल्केनिक क्रेटर और ब्यूटीफुल विलेज। और आइसलैंड के वेदर का कोई गारंटी नहीं है। अच्छा गया कि हमारा पूरे दिन में हमें बारिश नहीं मिली, बट जब हम रिकविक के साइट वापस जा रहे थे तो हमें हैवी रेन यहाँ पर देखने को मिला। तो आइसलैंड का आखिरी और पांचवा दिन हमने क्या क्या देखा, ये जानने के लिए आप मेरे आइसलैंड व्लॉग का 5th एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें।